हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कंपटीशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, और आज हमने 6 मंथ कंप्लीट कर लिए हमारे इस चैनल के, और 6 मंथ बाद हमारे पास करीब 300+ सब्सक्राइबर्स हैं। तो प्लीज़, यदि डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए शुरू करते आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज राष्ट्रीय समाचारों की। यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर लॉन्चेज स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिस एंड स्किल्स श्रेयास फॉर प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज टू फ्रेश ग्रेजुएट्स। दिस स्कीम इज ए प्रोग्राम बास्केट कंपेरिजिंग द इनिशिएटिव ऑफ 3 सेंट्रल मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द HRD, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नए स्नातकों को उद्योग शिक्षकता के अवसर प्रदान करने के लिए स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स श्रेयस लॉन्च की है। यह योजना एक कार्यक्रम बास्केट है जिसमें HRD, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और श्रम और रोजगार मंत्रालय सहित 3 केंद्रीय मंत्रालयों की पहल शामिल है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स नियुक्ति की। IDBI बैंक हैज अपॉइंटेड हेमंत भार्गव एज नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन होल टाइम चेयरमैन। भार्गव इज करंटली द चेयरमैन और इंचार्ज एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC। IDBI बैंक ने हेमंत भार्गव और गैर सरकारी को गैर सरकारी या गैर कार्यकारी गैर पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया है। भार्गव वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। नेक्स्ट आइए बात करते हैं अवार्ड्स पुरस्कारों की। द सेंट्रल जोन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भोपाल एंड वेस्ट जोन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इंदौर वन कंफर्ट विद सौभाग्य अवार्ड अंडर प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना एट द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एनर्जी मिनिस्टर्स बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनर्जी RK सिंह। केंद्रीय क्षेत्र विद्युत वितरण निगम कंपनी भोपाल और पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण निगम कंपनी इंदौर को केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री RK सिंह द्वारा ऊर्जा मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत सौभाग्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, द नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2019 अवार्ड्स वर गिवन बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। द विनर्स फ्रॉम द नेशनल लेवल कंपटीशन आर फर्स्ट पोजिशन पर है श्वेता उमरे महाराष्ट्र से एंड सेकेंड पोजिशन अजांक्षी MS फ्रॉम कर्नाटका एंड थर्ड पोजिशन ममता कुमारी फ्रॉम बिहार। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 पुरस्कार नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए। यह राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा युवा कार्य और खेल मंत्रालय के तहत नेहरू युवा केंद्र संगठन के सहयोग से आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के विजेता हैं पहले स्थान पर महाराष्ट्र से श्वेता उमर, दूसरे स्थान पर रही है कर्नाटक से MS अंजनाक्षी और तीसरे स्थान पर बिहार से ममता कुमारी। नेक्स्ट आइए बात करते हैं बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स न्यूज बैंकिंग व्यापार समाचारों की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ जापान हैव साइंड ए बायलेटरल स्वैप अरेंजमेंट BSA। द BSA वाज नेगोशिएटेड बिटवीन इंडिया एंड जापान ड्यूरिंग द विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू टोक्यो इन अक्टूबर 2018। भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक ऑफ जापान ने एक द्विपक्षीय विनिमय व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं।
अक्टूबर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टोक्यो यात्रा के दौरान भारत और जापान के बीच BSA पर बातचीत हुई थी। नेक्स्ट, रैंक एंड रिपोर्ट्स। रैंक एवं रिपोर्ट्स की बात की जाए तो इंडिया रैंक्ड 47th इन द इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2019 विच इज प्रिपेयर्ड बाय द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EU फॉर फेसबुक। द इंडेक्स वॉज एक्सपांडेड टू इंक्लूड 100 कंट्रीज विच विल रिप्रेजेंट 94% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एंड 96% ऑफ ग्लोबल GDP। भारत समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2019 में 47वें स्थान पर है, जिसे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा फेसबुक के लिए तैयार किया गया है। सूचकांक में 100 देशों को शामिल किया गया था, जो दुनिया की आबादी का 94% और वैश्विक GDP का 96% प्रतिनिधित्व करेंगे। नेक्स्ट, विद ए नेटवर्थ ऑफ $54 बिलियन, रिलायंस इंडस्ट्री चेयरमैन मुकेश अंबानी हैज ब्रोकन इनटू द ग्लोबल टॉप 10 रिचेस्ट बिलियनियर लिस्ट कंपाइल्ड बाय हुरून रिसर्च। द हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2019 इज टॉप्ड बाय अमेजन चीफ जेफ बेजोस फॉर द सेकेंड ईयर इन ए रो, वाइल द सीनियर अंबानी इज प्लेस्ड 8th विद ए नेटवर्क ऑफ ₹3.83 trillion। अंबानी इज द ओनली एशियन अमोंग द टॉप 10। $54 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी हुरून रिसर्च द्वारा संकलित वैश्विक शीर्ष 10 सबसे अमीर अरबपतियों की सूची में शामिल हो गया है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2019 में अमेजन के प्रमुख जेफ बेजोस लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष स्थान पर रहे, जबकि वरिष्ठ अंबानी को ₹3.83 trillion के नेटवर्क के साथ 8वें स्थान पर रखा गया है। शीर्ष 10 में अंबानी एकमात्र एशियाई है। नेक्स्ट, समिट एंड कॉन्फ्रेंस। शिखर सम्मेलन बैठकें। द 16th एडिशन ऑफ बायो एशिया 2019 एशिया लार्जेस्ट बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंस फोरम वाज कंडक्टेड इन हैदराबाद तेलंगाना। इट वाज इनॉग्रेटेड बाय द गवर्नर ऑफ तेलंगाना ESL नरसिम्हन। द थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस वाज लाइफ साइंस 4.0 डिसरप्ट द डिसरप्शन। लाइफ साइंस 4.0 ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर इन इंडिया वाज लॉन्च बाय EY। 2019 एशिया के सबसे बड़े जैव प्रौद्योगिकी और जीवन विज्ञान मंच बायो एशिया का 16वां संस्करण हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन तेलंगाना के राज्यपाल ESL नरसिम्हन द्वारा किया गया। सम्मेलन का विषय लाइफ साइंस 4.0 डिसरप्ट द डिसरप्शन है। लाइफ साइंस 4.0 ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर इन इंडिया EY द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ऑर्गेनाइज्ड ए कॉन्क्लेव ऑन द थीम फ्लाइंग फॉर ऑल, वेयर मोर देन 200 डेलीगेट्स इंक्लूडिंग इंडस्ट्री लीडर्स एंड रेगुलेटर्स डेलिब्रेटेड ऑन इश्यूज एंड अपॉर्चुनिटीज इन द सेक्टर। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने फ्लाइंग फॉर ऑल विषय पर एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया है, जिसमें उद्योग के नेता और नियामकों सहित 200 से अधिक प्रतिनिधियों ने इस क्षेत्र में मुद्दों और अवसरों पर विचार विमर्श किया है। आइए बात करते हैं मिसलेनियस न्यूज विविध समाचारों की। यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी इनॉग्रेटेड द टाइटन वाला म्यूजियम। द शोकेस द हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग ऑफ द छिपा कम्युनिटी इन बगरो। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने जयपुर राजस्थान के बगरू में छिपा समुदाय के हाथ ब्लॉक प्रिंटिंग को दिखाने वाले टाइटन वाला म्यूजियम का उद्घाटन किया है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट न्यूज की। वेस्ट बंगाल एजुकेशन मिनिस्टर पार्थ चटर्जी इनॉग्रेटेड ए वेब पोर्टल बंगलकार शिक्षा विच इज सेट टू प्रोवाइड रियल टाइम डाटा ऑन स्टेट रन एंड एडेड स्कूल्स। पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने एक वेब पोर्टल बंगलार शिक्षा का उद्घाटन किया। ये राज्य संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों पर वास्तविक समय डेटा प्रदान करने के लिए निर्धारित है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार, जो कि आपका करंट अफेयर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब UV कंपटीशन चैनल, और साथ ही साथ हमें फेसबुक इंस्टाग्राम और अनअकैडमी ऐप पर भी फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।